मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल से ही शिवराज सिंह चौहान महिलाओं और बेटियों के लिए हमेशा से कुछ खास करते आए हैं। उनका पूरा जोर महिलाओं और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर रहा है। लाडली लक्ष्मी भी एक ऐसी ही योजना है जो पिछले 16 सालों से बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का असर भी दिख रहा है। प्रदेश में 46 लाख से अधिक बेटियां जन्म से ही लखपति बन गई हैं। मेरा नाम साक्षी किमती है, मेरे माता का नाम सारिका किमती है, मेरे पिता का नाम पुष्पेंद्र जी किमती है। मैं लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे उज्जवल भविष्य की कामना होगी। मेरे माता पिता को इससे बहुत सहायता मिलेगी। आगे पढ़ने और लिखने में अनुचित लाभ मिलेगा, जो मेरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मुझे ये सरकार की तरफ से लाडली योजना से जुड़ने का अवसर मिला है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं 6th क्लास के स्टूडेंट हूँ। उससे पहले मैं लाडली लक्ष्मी योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2006 में लागू की गई है, इस योजना से मैं बहुत खुश हूँ। इस योजना से मुझे 6th क्लास में 2000 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिली है। मैं आगे चलकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ और इस योजना से मेरे माता पिता को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। मेरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिवराज मामा को मैं धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बात केवल लाडली लक्ष्मी योजना की नहीं है, बल्कि लाडली बहना योजना से भी महिलाओं की जिंदगी में अहम बदलाव आ रहा है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ समाज के हर धर्म हर तबके की जरूरतमंद महिलाओं को मिल रहा है। बड़वानी की महिलाओं की जुबानी सुनते हैं कैसे शिवराज सरकार उनकी हर परेशानी का हल बन गई है। उनको मकान बनाने वास्ते पैसे भी दिए 2.5 लाख रुपए और लाडली बहना के पैसे भी आ रहेंगे और टंकी भी दी हमको फ्री। अच्छा मकान था हमारा, पानी भी बहुत गलता था, नीचे मकोड़े नहीं है, बच्चे भी परेशान होते थे, अभी तो बहुत अच्छा है। आवास योजना 2.5 लाख रुपए वाला और अभी जैसे पेंशन भी मिलती थी वहाँ पेंशन, और अभी वो 1000 रुपये वाला मतलब 400 रुपये डालते उसमें तो 1000 रुपये में। पहले कैसे रहते थे, पहले कैसा मकान था आपका? हाँ पहले कच्चा था और अभी शिवराज चौहान का लाभ मिला हमको 2.5 लाख रुपए। हाँ तो अभी पक्का होगा तो अभी बहुत अच्छा मकान था। पहले पानी भी बहुत नाले में से भी आ जाता था हमारे घर में और अभी भी अच्छा है। अब जरा ग्वालियर की गायत्री को ही देख लीजिए। दो बेटियों को लेकर वह जिंदगी से जूझ रही थीं, लेकिन खुद उनकी जुबानी सुनिए कैसे शिवराज सरकार ने उनकी जिंदगी को आसान बना दिया है। और ये मामा जी ने जो चलाई है ये योजना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं इससे अपनी योजना से जो पैसा मिलेगा उससे मैं मशीन लेना चाहती हूँ और उससे अपना खुद का रोजगार करना चाहती हूँ। और बाकी जो मामा जी को मैं धन्यवाद भी करती हूँ, उनने जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा अवसर दिया है आगे निकलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको मैं। और मैं अपना काम कर सकूँगी अपने घर के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा होएगा और बाकी महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा ये। अगर ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिवराज सरकार उद्यम क्रांति और स्व सहायता समूह जैसी कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं से न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं, बल्कि वह अब कई और महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं।